हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गुरु निधि के एपिसोड 19 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं चंद्र प्रकाश और मेरे साथ है रिंकेश सर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। ठीक है, अब देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये सारी हमारी नॉन वैल्यूज है ना। सेक इनवर्स रूट टू कितना होता है बताओ। आप सब जानते हो भाई sec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट टू। तो sec इनवर्स रूट टू हो गया 45 डिग्री। ऐसे इधर आ जाओ, इसको देखो ढंग से देखो, 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 रूट 3 है ना। तो ये टर्म कैंसिल होके बन जाएगी रूट 3 बाई 2। cos इनवर्स रूट 3 बाई 2 भैया ये हो गया 30 डिग्री। ये थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे है ना। वैसे देखो एक बहुत सिंपल सा रूल है हमारा, मतलब मैंने देखा है अक्सर कि भाई जब भी अंडर रूट में ऐसे अंडर रूट आ जाता है तो पक्का ही परफेक्ट स्क्वायर बनती अंदर वाली टर्म। ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे 8 बचेगा बच्चों, ऊपर बन जाएगा देखो 4 माइनस 2 रूट 3। और ये 4 माइनस 2 रूट 3 क्या है, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 साथ में अंडर रूट। तो आपको फाइनली मिला रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 45 डिग्री। और साइन में है ये, तो साइन 45 नहीं 15 सॉरी 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये जो पूरा एंगल है ये बन गया 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री है, ये पूरी वैल्यू 13 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, सारा मिला के ये कितना हो गया 90। फिर cot 90 जीरो होता है और sin इनवर्स जीरो होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप देखते हैं क्या है। इसमें आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसकी आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू को पता फाइंड आउट करना है। देखो इसका मेथड क्या प्रॉपर, कि इसको पहले सिंगल ITF में क्या करते हैं कन्वर्ट। तो अपन यूज कर सकते हैं cos इनवर्स x इज पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x। cos इनवर्स x को पुट करो पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x, sin इनवर्स x को t लिख लो और साथ ही साथ sin इनवर्स x को t पुट करो, बार-बार नहीं लिखना पड़ेगा अपन को। तो लेट एक्सप्रेशन e इक्वल टू ये होगा t क्यूब प्लस पाई बाय 2 माइनस टी का होल। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रॉपर एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, तो दिस प्लस दिस करने पे तो आ गया पाई बाई टू। और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस दिस पार्ट का स्क्वायर करोगे तो ये आ गया बेटा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस पाई ऑफ टी। ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब दिस पार्ट को दिस पार्ट से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो माइनस टी ऑफ पाई बाई 2 माइनस टी। ठीक है, अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो देन इक्वल टू होगा बेटा पाई बाई 2 ब्रैकेट में देखो टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया बेटा 3 टी स्क्वायर। उसके बाद देखो माइनस के पाई टी और माइनस के पाई टी बाई 2 मतलब हाफ एंड फुल, तो माइनस के 3 पाई बाई 2 इंटू टी और कॉन्स्टेंट टर्म होगी ओनली प्लस के पाई बाई पाई स्क्वायर बाई 4। अब देखो ये टी में क्वार्टिक है तो आप इसको बनाओ कंप्लीट होल स्क्वायर, तो देन आप इस कोफिशिएंट को गुण लो तो 3 आप इसमें से लो बेटा कॉमन। तो जब 3 कॉमन लोगे तो देन इक्वल टू होगा इसमें 3 पाई बाई 2 ब्रैकेट ऑफ टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 और प्लस हो गया पाई स्क्वायर बाई 12। फिर देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना है, ये कोफिशिएंट 1 है फिर टी के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करो और सबट्रैक्ट, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर ऐड करोगे तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। और उसके बाद ये बोथ टर्म और जो आपने ऐड किया ये बनेगा बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो फाइनली इससे क्या मिला e इक्वल टू 3 पाई बाय 2 ब्रैकेट t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर और t की जगह पुट कर देते डायरेक्ट साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर और पाई स्क्वायर बाय 12 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। तो इसमें 48 आप एलसीएम लो तो ये आ गया 4 पाई प्लस के 3 पाई स्क्वायर बाय 48 या
5 स्क्वायर या 10 हां वो कैंसिल कर सकते हैं इसको 3 से हां ये आ रहा ना अपन 48 एलसीएम लेंगे तो 4 हां ठीक 5 स्क्वायर बाय 48 अब देखो आपको इस e की चाहिए मिनिमम वैल्यू तो होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हैं क्योंकि जब x को बेटा 1/√2 लोगे तो दिस पार्ट इज 0 तो होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 लोगे तो 3π/2 × π² / 48 तो ये आ गया π³/32 तो e की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी π³/32 एट x=1/√2 अब आपको इसकी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू तो देखो इस होल स्क्वायर को मैक्सिमम लेके आना बेटा तो इस अंदर वाले पार्ट को नेगेटिव में जितना ज्यादा लोगे ना उससे स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो साइन इनवर्स x की वैल्यू पुट करो उसमें -π/2 तो साइन इनवर्स x की वैल्यू को जो -π/2 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको मैक्सिमम ठीक है तो जैसे ही वो आप कैलकुलेट करोगे तो देखो उसमें एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है अभी तो ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू है और 7π³ की होगी बेटा मैक्सिमम तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ भाई देखो ये अगला सवाल कॉट इनवर्स देखिए कॉट इनवर्स में बल्कि मैं तो कहूँ किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपको सीरीज दी हुई हो ना तो उसको टेन इनवर्स में बदल लेना चाहिए ये जो सीरीज है अपनी इसकी जनरल टर्म देखो ध्यान से कुछ इस तरह से कॉट इनवर्स 2r² टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो इसको 1/2r² पॉजिटिव वैल्यू है आर तो बिना किसी केस के कन्वर्ट हो जाएगा इधर आ जाओ साइड फॉर्मूला जो लगने वाला है इस तरह की सभी सीरीज में जो फॉर्मूला लगता है वो ये वाला यूज होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ xy ओके तो ये रिवर्स डायरेक्शन में मेरे को यूज करना होता है तो हमारा काम होता है बेसिकली कि ये जो टर्म है tan इनवर्स में जो लिखी हुई है इसको इस पैटर्न में अरेंज करना ताकि हम इसको इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक कर सकें तो आइए देखिए कैसे अरेंज करेंगे हम तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो इसको ऊपर नीचे 2 से कर दो तुम मल्टीप्लाई ताकि ये 4r² जो है ये 2r का होल स्क्वायर बन जाए राइट अब देखो यहाँ पे 1 प्लस तो 1 चाहिए होता है प्लस में तो एक 1 ऐड कर लो एक सब्ट्रैक्ट कर लो ऐसे और अब थोड़ा ये देखो भाई ये 1 तो हो ही गया प्लस एक्स वाई यानी इसके दो फैक्टर हो सकते हैं तो बिल्कुल 2r-1 और 2r+1 और इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस क्या ऊपर आ रहा है yes. तो ऊपर 2 आ रहा है तो 2r+1 - 2r-1 ऐसे लिख लो और अब ये बिल्कुल ये वाला पैटर्न आ गया तो इसको अगर मैं अप्लाई कर दूं तो ये टर्म क्या बन गई अपनी tan इनवर्स 2r+1 - tan इनवर्स 2r-1 तो ये इसकी हर एक टर्म में ये फार्मूला लगा सकते हैं अब ये फार्मूला यहाँ लगा दो देखो मैं फर्स्ट टर्म में r का वैल्यू 1 है इसमें 1 पुट कर दीजिए आप तो आपको क्या मिलेगी फर्स्ट टर्म tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 1 सेकंड टर्म क्या मिलेगी tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 3 अगली टर्म हो जाएगी ऐसे tan इनवर्स 7 - tan इनवर्स 5 एंड सो ऑन कहां तक जाना इन्फिनिटी तक तो इन्फिनिटी तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे हम एंड टर्म तक निकालेंगे पहले हम क्या करेंगे अप टू एंड टर्म्स निकालेंगे फिर उसमें कंडीशन लगा देंगे कि एंड टेंड्स टू इनफिनिटी तो अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो वो क्या आएगी देखो tan इनवर्स 2n+1 - tan इनवर्स 2n-1 ये बनेगी सीरीज और अब इसको ध्यान से देखें टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं इसको ये टर्म कैंसिल आउट हो गई ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी ये टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी अल्टीमेटली ये भी चला जाएगा तो बचेगा क्या अपने पास tan इनवर्स 2n+1 - tan इनवर्स 1 तो ये n टर्म का सम अब आप इसमें लगा दो कंडीशन की n की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है तो ऐसे में ये क्या बन जाना है tan इनवर्स इंफिनिटी -tan इनवर्स 1 tan inverse infinity आप सभी बच्चे जानते हो π/2 होता है ये π/4 होता है सो फाइनली योर आंसर इज π/4 तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया भाई थर्ड तो याद रखना ITF की सारी सीरीज इसी पैटर्न से सॉल्व होती है चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हां नंबर ऑफ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन डिस्पार्ट इन तो देखो जब भी ITF के अंदर आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है या इनइक्विटी को तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे उसके डिफाइन होने की कंडीशन को यूज करो तो देखो साइन इनवर्स की कंडीशन क्या लिखोगे
कि दिस पार्ट लाइज बिटवीन माइनस माइनस वन टू, तो फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे बेटा वन माइनस एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, सब में वन सबट्रैक्ट करो तो माइनस टू से माइनस एक्स लाइज बिटवीन जीरो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देन जीरो से एक्स आगे जीरो, इसका मीनिंग क्या है कि जब एक्स को जीरो से टू के बिटवीन पुट करोगे तो दिस साइन इनवर्स की वैल्यू माइनस वन से वन होगी, और इसमें तो ओनली साइन इनवर्स एक्स है तो अगेन इसके अकॉर्डिंग एक्स क्या होना चाहिए जीरो से वन। अपन को दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कराना है, दोनों में जब कॉमन लोगे तो ये आ गया बेटा एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन वन, मतलब इसका इनपुट ओनली जीरो से वन ले सकते हैं, उसके बाद ये फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब देखो क्या करना है, इसको सोल्व करने का क्या मेथड है, सिंपल भाई। नॉर्मली आप एक्स आपका जीरो से वन है तो अपन केसेज अराइज करके टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और देखो सिंपल मेथड क्या है, आप इसमें साइन इनवर्स एक्स को पुट करो बेटा पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो ये आ गया साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू, दिस इज पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू। देखो तो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज टू कोस इनवर्स एक्स, और माइनस पाई उधर जाके करोगे तो दिस इज थ्री पाई बाई टू। अब देखो ये थोड़ा आपको समझना ढंग से, एक्स आपका जीरो से वन है मतलब ये पॉजिटिव है, तो एक्स को जीरो से वन लोगे तो वन माइनस एक्स की वैल्यू जीरो से वन होगी, मतलब इस साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट है बेटा वो ऑलवेज होगा जीरो से पाई बाई टू के बिटवीन। बात को समझना थोड़ा ढंग से। सिमिलरली जब एक्स जीरो से वन है, सिंपल सी बात है, कोस इनवर्स एक्स की रेंज होती है बेटा जीरो से पाई, बट एक्स अगर जीरो से वन है तो कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। तो जब एक्स आपका जीरो से वन है तो कोस इनवर्स की रेंज होगी जीरो से पाई बाई टू, और उसको जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो देन दिस कंप्लीट पार्ट की रेंज होगी जीरो से पाई, ठीक है। अब आप देखो राइट साइड में बेटा थ्री पाई बाई टू, तो जब आप दोनों टर्म्स की एक्सट्रीम वैल्यू लोगे पाई बाई टू एंड पाई, तो उसी केस में बेटा क्या आ सकता है मैक्सिमम थ्री पाई बाई टू आ सकता है। तो बस सिंपल सी कंडीशन क्या लिखोगी कि दिस इक्वेशन इज होल्ड व्हेन दिस पार्ट इज पाई बाई टू एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो पाई। तो देखो साइन इनवर्स की वैल्यू को पाई बाई टू लाना है, तो साइन इनवर्स की वैल्यू पाई बाई टू कब होगी, जब दिस पार्ट आपका वन होगा, और ये वन कब होगा व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। और सिंपल सी बात है, जब एक्स को जीरो लोगे तो इनपुट आप एक बार में एक ही पुट करोगे, तो जब एक्स को जीरो से पुट करेंगे तो अगेन कोस इनवर्स जीरो पाई बाई टू, तो ये भी पाई आ गया, ठीक है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है एक्स इक्वल टू जीरो, तो उसने नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात की है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ओके द वैल्यू ऑफ द दिस, आइए देखिए कैसे सॉल्व करें। तो यहां देखो एक हम तो हमें यहां से मिल जाता थोड़ा सा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अंदर वाली टर्म है बच्चों tan अल्फा / 4, इसको मान लेता हूं tan थीटा, ठीक है। यानी कि अपन tan अल्फा को क्या लिख देंगे 4 tan थीटा। चलिए इस तरफ आते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये देखो ये tan अल्फा की फॉर्म में, तो इसको भी मैं tan अल्फा की फॉर्म में बदल लेता हूं, यस, है ना। और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये tan इनवर्स हाफ एंगल फार्मूला लगा देते हैं, 3 अपनी जगह है ही, sin 2 अल्फा हो जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और 5 प्लस 3 टाइम 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहां टी का मतलब है tan अल्फा, है ना, याद रखिएगा। दिस tan इनवर्स कितना हो गया, देखिए ऊपर हो गया 60, नीचे हो गया 5 और 3 8 और प्लस के 2t स्क्वायर, यस, 2 को और कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसको फाइनली ये ऐसा बन गया कुछ tan इनवर्स 3t tan अल्फा, यस, अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ओके। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात है, tan इनवर्स तो अपनी जगह है ही, 3 tan अल्फा, देखो उद्देश्य जो होता है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वही होता है कि जैसे ये tan इनवर्स है तो यहाँ अंदर हम tan ऑफ समथिंग बना ले, ताकि tan इनवर्स और tan को हम कैंसिल आउट कर सकें, तो इसको पूरे को tan ऑफ समथिंग में बदलना है। देखिए कैसे बदल रहा हूँ, देखिएगा, इस 3 tan अल्फा को तो हम लिख देते हैं 4 tan अल्फा माइनस tan अल्फा, ठीक है भाई, नीचे हो गया 4 प्लस
टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा, ओके। और अब ये जो टेन अल्फा ये वाला और ये वाला, इसकी जगह हम ये वैल्यू यूज कर लेते हैं फोर टेन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो टेन इनवर्स, सुनना ध्यान से, फोर टेन अल्फा माइनस फोर टेन थीटा, फोर कॉमन आ जाएगा, आपको मिलेगा टेन अल्फा माइनस टेन फोर कैंसिल, यहाँ भी नीचे फोर आ जाएगा तो फोर कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बचेगा वन प्लस टेन थीटा टेन अल्फा। और अब आप पहचान पा रहे होंगे ये टर्म जो है ये क्या बन गई, टेन इनवर्स टेन अल्फा माइनस थीटा, और ये बच्चों आपको मिल जाएगा फाइनली अल्फा माइनस थीटा। इधर इसको मैंने टेन थीटा माना था तो ये टर्म हो गई टेन इनवर्स टेन थीटा, यानी ये कन्वर्ट हो गई किसमें, थीटा थीटा। तो जब इसको ऐड करोगे इसमें तो थीटा थीटा तो हो जाएगा कैंसिल और आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ अल्फा अल्फा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। The complete solution set of tan square sin inverse x greater than 1. तो देखो इस inequality को कैसे solve करना है, तो starting में तो use करोगे sin inverse की domain, तो first condition तो लिखना है x belongs to minus 1 to 1, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, इस sin inverse x को अपन t let कर देते हैं, तो question आ गया बेटा tan square t greater than 1। अब इस टिक्नोमेट्रिक इनइक्विटी को सॉल्व करना है तो बोथ साइड आप इसका लो स्क्वायर रूट, तो देन जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ गया मोड टेन टी ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब आप ये देखो थोड़ा समझो, टी का मीनिंग है साइन वर्स एक्स, तो टी की रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई प्लस, तो इससे पता चल गया कि जो ये टी है आपका वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो सकता है, और पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू को इंक्लूड नहीं करना अपन को क्योंकि टेन स्क्वायर के अंदर नॉट डिफाइंड, तो स्पेस भी अपन इक्वल टू को हटा देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो t जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो अपन चलो सिंपल सी बात करते हैं, टेन एक्स का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये टेन टी का डायग्राम है आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो टेन टी की वैल्यू मोर टेन टी की वैल्यू वन से ग्रेटर, भाई इसका मीनिंग क्या है, टेन टी वन से ग्रेटर और टेन टी माइनस वन से लेस, तो ये वाला पार्ट आ गया ना, मतलब वन से ग्रेटर दिस पार्ट होगा और माइनस वन से लेस दिस पार्ट होगा, मतलब t की वैल्यू जब ये कब होगा पाई बाई फोर पे और ये माइनस पाई बाई फोर पे, तो जब टी पाई बाई फोर से पाई बाई टू होगा उस केस में टेन टी वन से इनफाइनिट होगा, और जब टी माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर लोगे उस केस में टेन टी की वैल्यू माइनस वन से लेस होगी, तो इसका सोल्यूशन आ गया बेटा टी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर यूनियन प्लस पाई बाई फोर से पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू पे ओपन और पाई बाई फोर पे भी ओपन है क्योंकि वन पे इक्वल टू नहीं है। अब देखो ये टी है आपका, टी की जगह पुट करना है साइन इनवर्स एक्स, और अब आपको ये पता है साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो सिंपल डायरेक्ट साइन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्विटी का साइन डज नॉट चेंज, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स क्या होगा, देखो साइन माइनस पाई बाई टू माइनस वन माइनस वन साइन माइनस पाई फोर माइनस के वन बाई रूट टू यूनियन साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू और साइन पाई बाई टू होगा बेटा वन, ये आ गया सेकंड, मतलब इस इनइक्विटी का सॉल्यूशन है, और कंडीशन क्या है, फर्स्ट एक्स माइनस वन से वन के बिटवीन होना चाहिए, देखो ऑलरेडी ये जो कंप्लीट पार्ट है ये माइनस वन से वन के बिटवीन है, तो यही इस इनइक्विटी का फाइनल सॉल्यूशन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जीरो होना चाहिए। आइए रेंज पकड़िए, पहले कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, जीरो से पाई पाई, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल जीरो से पाई पाई, यानी जीरो से 3.14 के बीच में है, इसलिए अगर हम इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ऐसे में पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जीरो वन टू थ्री, सिमिलरली इसका भी पॉसिबल वैल्यू होगा जीरो वन टू थ्री, तो इनको जोड़ने पर जीरो कब आएगा, ओनली पॉसिबिलिटी कि ये भी जीरो हो जाए ये भी जीरो हो जाए, तो सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होगा ऐसे, तो यार ये चीज भी जीरो होनी चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। देखिए किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो का होता है, जब वो नंबर जीरो टू जीरो से लेके ओपन वन के बीच में,
ऐसे ही cot inverse x भी कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। इक्विटी नहीं लगानी, cot inverse x 0 के बराबर होता नहीं। cos x, cos inverse, cot inverse दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? तो इनको रिमूव करेंगे, इनइक्विटी के साइन चेंज हो जाएंगे, आपको ऐसे मिलेगा x, ये लो चेंज हो गया, इधर बन गया cot 1, इधर बन गया cot 0 infinite which is tending to infinity। इधर आ जाओ, cos को उठा के लगा दो सब पे, साइन चेंज हो जाने, ये ऐसे इधर बन जाएगा cos 1, इधर बन गया cos 0 यानी कि 1। अब मुझे लेना देखो दोनों का कॉमन, ठीक है? तो ये तो बोल रहा है कि भैया वैल्यू कहां से कहां तक ले, हम cos 1 से लेके 1 के बीच में हमको रखनी है। इधर ये करा cot 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में रखनी है। cot 1 देखो cos 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो यार। cot 1 बराबर होता है cos 1 अपॉन sin 1, और sin 1 पॉजिटिव नंबर है और 1 से छोटा, तो इससे डिवाइड करने से इस टर्म की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब cos 1 से, यानी कि यहां कहीं आएगा अपना cot 1 और यहां से लेके पूरा इनफाइनाइट तक जाना है, तो कॉमन पार्ट आया ये वाला, यानी कि cot 1 से 1 तक, जिसमें 1 इंक्लूड होगा, राइट? cot 1 इंक्लूड नहीं हुआ, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हां जी सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 12 माइनस sin इनवर्स sin 12। तो देखो जब भी cos इनवर्स cos थीटा गिवन है, तो cos इनवर्स cos थीटा को थीटा कब लिखोगे, जब थीटा 0 से पाई हो, और sin इनवर्स sin थीटा को थीटा लिखना बेटा जब थीटा माइनस पाई 2 से प्लस पाई 2, मतलब आपको ये जो एंगल थीटा है इनको, इसमें तो 0 से पाई में इसको कन्वर्ट करना है, इसको माइनस पाई 2 से पाई 2 के बीच में इसको लाई करना है। तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, cos इनवर्स cos, अब दिस पार्ट को 0 से पाई में लेके आना है। तो देखो ये 12 है, अगर अपन पाई माइनस करेंगे तो वैल्यू काफी नेगेटिव होगी, तो सिंपल सी बात है जब आप 4 पाई माइनस 12 करोगे, क्योंकि 4 पाई की वैल्यू होगी 12 पॉइंट समथिंग, और 12 पॉइंट समथिंग माइनस 12 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 0 से पाई के बिटवीन होगा, तो इसको लिखना है cos 4 पाई माइनस 12। अब ये लिखने के बाद ये देखना चाहिए अपन को कि इसको अगर आप बैकट्रैक करोगे तो दिस सेम आना चाहिए, तो cos 4 पाई माइनस थीटा इज अगेन cos थीटा, मतलब cos 12 को अपन दिस पार्ट लिख सकते हैं। फिर बात आती है माइनस साइन इनवर्स साइन, अब सिंपल सी बात है इसको लाना है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बिटवीन, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बिटवीन लाने के लिए इसमें क्या करोगे, देखो अगर इसको लिखते हैं अपन 4 पाई माइनस 12, तो 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 12 पॉइंट समथिंग माइनस 12, तो आगे पॉइंट समथिंग, मतलब ये पाई बाई टू से लेस होगा, बट इसमें देखो क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, जब इसको 4 पाई माइनस 12 लिखोगे तो साइन 4 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा आपका, तो एक काम करो ना एक माइनस अपन इधर लगा देते, क्या दिक्कत है, तो बैलेंस हो गया आपका, ठीक है? ये करने से देखो साइन इनवर्स के अंदर से माइनस को बाहर ले सकते हैं, और इसमें ये इससे कैंसिल, तो आ गया 4 पाई माइनस 12, माइनस को बाहर लोगे तो प्लस, और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो अगेन आ गया 4 पाई माइनस 12, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देन 8 पाई माइनस 20, ये इसका आंसर आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक सर, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और ध्यान से देखिए कंपोजिट फंक्शन है, cot इनवर्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक जो है उसकी रेंज मुझे निकालनी है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, परफेक्ट, यानी इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है भाई? अब ये जो टर्म है देखो, ये टर्म t बोलूंगा इसको थोड़ी देर के लिए, ये जो अपना t है ये 1 या 1 से बड़ा हो मैक्सिमम इनफिनिटी, इसमें cot इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, cot इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, अप्लाई करोगे इनइक्विटी के साइन चेंज हो जाएंगे, आपको मिलेगा cot इनवर्स 1 t, और इधर हो गया भाई cot t लगा दो, अच्छा इधर भी तो लगाना ना cot इनवर्स p t, और इधर ये हो गया cot इनवर्स इनफिनिटी, cot inverse 1 that is equal to pi by 4, इधर ये cot inverse t अपना या square x बोलना चाहो तो fx बोल दीजिए, f of x, और cot inverse infinity ग्राफ अगर आपको याद हो तो cot inverse infinity will tends to 0, 0, तो
जीरो से पाई बाय फोर इंक्लूडिंग पाई बाय फोर नॉट इंक्लूडिंग जीरो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगलेस, मतलब मीनिंगलेस का मीनिंग क्या है कि ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनकी डोमेन की बात करोगे आप, तो जैसे अपन बात करते हैं सिंपल से ऑप्शन देखते हैं, जैसे फोर्थ ऑप्शन है sec इनवर्स के अंदर पाई है, तो बेटा sec इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, x 1 और 1 से ग्रेटर या माइनस 1 और 1 से लेस, तो हाँ ठीक है ये इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है इसकी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करोगे तो cot इनवर्स की डोमेन तो बेटा r लेते हैं, तो ये भी एक पॉसिबल हो सकता है, और cosec इनवर्स की भी 1 से ग्रेटर और माइनस 1 से लेस, तो ये भी आपका 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी आपका मीनिंगफुल होगा। अब इसमें देखो हाँ ऐसे भी कर सकते हो, और cos इनवर्स की बात करोगे तो ये वैल्यू आपकी 1 और 1 से लेस होनी चाहिए, माइनस 1 और 1 हाँ। तो देखो ये ln है आपका, मतलब ln का मीनिंग ये बेस में ही है। अब एक बात सुनो, ये बेस आपका 1 और 1 से ग्रेटर है, एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो आप, थोड़ा इक्वल ले सकते हैं 2.7 2.7 इंटू 2 5.4 प्लस 4, बस अप्रोक्सीमेशन देखना अपन को, तो आ गया 9.3/3, मतलब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी 3 point something। तो देखो ये 3 point something लेट किया आपने, तो नंबर जब बेसिंग ये बहुत हार ग्रेटर देन 1, जब बेस और नंबर बहुत हार ग्रेटर देन 1 तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट अगर नंबर बेस से ग्रेटर है तो ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव तो होगी बट ये 1 से ग्रेटर होगी, तो cos इनवर्स के अंदर जो इनपुट है वो 1 से लेस होना चाहिए, इक्वल हो सकता है, तो ये आपका होगा मीनिंग लेस, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस दिस इक्वल टू पाई बाय 2। अब सब लोग जानते होंगे ये सिंपल सी इक्वेशन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, इसको यूज करेंगे। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग दैट विल बिकम साइन इनवर्स एक्स, राइट। और ऐसे भी सोच सकते हो, देखो ये पाई बाय 2 तभी आएगा जब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम हो, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ भी साइन ये दोनों सेम हो, देन यू गॉट पाई। तो बस खत्म हो गया सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x बराबर माइनस 5, एक्स का वैल्यू माइनस। लेकिन रुकिए ना, ये जो वैल्यू आती है इसको एक बार यहाँ पुट करके जरूर चेक करिए, क्योंकि ओरिजिनल डोमेन ये था हमारा सवाल का, तो ये डोमेन में आना चाहिए, माइनस 1 से 1 के बीच में आनी चाहिए ये रिजल्ट, किसी में भी पुट कर लो दोनों बराबर है। अगर हम यहाँ पुट करें देखो कितना आया, 25/4 माइनस 10 प्लस 3 7, तो ये माइनस का 7 हो गया, यस ये हो गया माइनस का 3/3, ठीक है, ये डेफिनेटली इस रेंज में आ रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन लेने योग्य, तो एक ही आंसर आ रहा है, बस वन सॉल्यूशन हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया है, आपको एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, x को 1/√2 से 1 लेट करना है, तो बताओ इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता है। तो देखो इसका सिंपल मेथड क्या है कि cos इनवर्स के अंदर x है, तो काम करो इसमें यूज करो x इक्वल टू cos थीटा सब्स्टिट्यूशन, तो x इक्वल टू cos थीटा, तो देखो जब x 1/√2 से 1 है तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/4 से π/2, ठीक है, अपन प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर लेते हैं cos इनवर्स के लिए। तो चलो अब अपन x को पुट करते हैं इसमें cos थीटा, तो क्या आ गया क्वेश्चन, cos इनवर्स cos थीटा प्लस cos इनवर्स, देखें ये होगा cos थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये 0 से पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 0 सॉरी cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन था, थीटा होगा 0 से पाई बाय 4, तो ये आ गया cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का रूट मोड sin थीटा, बट थीटा आपका फर्स्ट में, तो इसको लिखना है sin थीटा, तो ये आ गया बच्चों sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन रूट 2। अब आप ये देखो ये cos इनवर्स है, तो आप क्या करो अंदर ट्राई करो इसको cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, देखो जब 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1/√2 बोलोगे cos 45, तो cos थीटा cos 45 प्लस sin थीटा sin 45, दिस इज cos ऑफ a माइनस b, तो इसको लिख सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, थीटा जब 0 से पाई बाय 4 है तो ये तो cos इनवर्स cos से कैंसिल, तो ये आ गया थीटा प्लस cos इनवर्स, क्या आ गया फार्मूला, cos पाई बाय 4 थीटा माइनस पाई बाय 4 या पाई बाय 4 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है,
ये लिखने के बाद अब आप देखो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल कब कर सकते हैं, जब ये थीटा माइनस पाई पर आता तो जीरो से पाई होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब थीटा को जीरो लोगे तो ये माइनस पाई बाई फोर है, और पाई बाई फोर लोगे तो इसमें ये कर सकते हो कि कोस के अंदर नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो आप बेटर ऑप्शन है इसको ये रखो पाई बाई फोर माइनस थीटा, तो उससे जल्दी दिखेगा आपको। तो देखो थीटा को जीरो पुट करोगे तो ये पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर पुट करने पर आ गया जीरो। इसका मतलब इस कोस इनवर्स का जो आउट इनपुट है ये जीरो से पाई बाई फोर है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल करने पर होगा थीटा प्लस पाई बाई फोर माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो देन इसका जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है पाई बाई फोर, मतलब थीटा इसमें ऑटोमेटिक क्या हो गया बेटा एलिमिनेट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये तो इनइक्वालिटी है और वो भी कॉट इनवर्स एक्स में है, तो आप शुरू में ही कॉट इनवर्स एक्स को डी मान लो, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी। और अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई, फैक्टर कर लो इसको, डी माइनस टू डी माइनस वन, मेथड ऑफ इंटरवल लगा लो, ये वन ये टू ये प्लस माइनस प्लस, ये पोर्शन आंसर है। यानी टी टी छोटा होना चाहिए वन से यूनियन, या फिर डी बड़ा होना चाहिए टू से। टी क्या है? कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, और इधर भी कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स बड़ा होना चाहिए कॉट वन से, कॉट वन से बड़ा कितना बड़ा, तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन आप जानते हो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, तो मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इधर इस केस को लीजिए, एक्स छोटा होना चाहिए कॉट टू से, और कितना छोटा भाई माइनस, तो ये दो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, माइनस इनफाइनाइट से कॉट टू तक और कॉट वन से इन्फिनिटी तक, थर्ड ऑप्शन। सो ये थर्ड आंसर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू रूट साइन इनवर्स लॉग लॉग x। देखो डोमेन की कंडीशन क्या यूज करोगे, सबसे पहले बात करो लॉग, तो लॉग की कंडीशन बेस तो इसका करेक्ट है, तो जो लॉग का नंबर है x ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो फर्स्ट कंडीशन लिखोगे x पॉजिटिव। फिर साइन इनवर्स की कंडीशन दिस पार्ट लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, तो लॉग ऑफ टू बेस x लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, बेस आपका वन से ग्रेटर है मतलब लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन डज नॉट चेंज। तो जब लॉग टू को इधर शिफ्ट करोगे तो टू की पावर वन टू, और इधर शिफ्ट किया तो टू की पावर माइनस वन वन बाई टू, तो इससे आ गया एक्स लाइज बिटवीन वन बाई टू से टू, दिस इज लेट इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन लेट करो। और उसके बाद इसमें रूट प्रेजेंट है, तो रूट की कंडीशन कि रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो साइन इनवर्स लॉग ऑफ x बेस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो ITF के अंदर अपन साइन इनवर्स इन सबको डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हो इनइक्विटी में, और ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो डज नॉट चेंज साइन। तो क्या आ गया लॉग ऑफ टू एक्स बेस टू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन जीरो इज जीरो, अगेन लॉग को शिफ्ट किया तो टू की पावर जीरो इज वन, मतलब x होगा वन और वन से इक्वेशन। अब आपको इस डोमेन के लिए ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है साइमल्टेनियसली, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का लेना है इंटरसेक्शन। तो देखो ये बोलता है जीरो से ग्रेटर, ये वन से ग्रेटर, तो इसमें क्या आएगा आंसर वन से टू के बिल्कुल, और वन और टू दोनों पे लगाना आपको क्लोज ब्रैकेट, तो इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। 15th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। ओके ये सब सॉल्व करके देखने पड़ेंगे कौन रैशनल आ रहा है, आइए एक एक करके लेते हैं। भाई यहाँ देखिए ये है साइन ऑफ टेन इनवर्स थ्री, टेन इनवर्स वन बाई थ्री बन जाएगा कोट इनवर्स, कोट इनवर्स इस पाई बाई थ्री, दोनों मिलकर हो गए पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू हो गया वन, तो ये तो रैशनल है। यस अच्छा वन और मोर देन वन करेक्ट है, तो सब जान सब सॉल्व करना पड़ेगा। पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स थ्री बाई फोर को क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स थ्री बाई फोर, ओके और ये कैंसिल आउट होके आपको क्या मिलेगा थ्री बाई थ्री, ये रैशनल ये भी सही होगा। थर्ड पे आते हैं रूट 63 8, और ये देखो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा देखो बच्चों बाहर ट्रिगो हो ना और अंदर इनवर्स ट्रिगो, तो सॉल्व करने का बेस्ट टेक्निक क्या है कि अंदर वाले इनवर्स ट्रिगो को कोई एंगल मान लो,
यानी मैं ऐसा मान लेता हूँ ये जो साइन इनवर्स रूट 63/8 है ना, उसको थीटा लगे, ये थीटा है, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा बाई 4। अब इसको उठा के इधर लगा देते हम, तो यानी साइन थीटा जो है अपना वो है रूट 63/8 और मुझे चाहिए साइन थीटा बाई 4। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखिए, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा निकाल लो, 1/8 आ गया आपका। कॉस थीटा से कॉस थीटा बाई 2 निकाल लो, कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। और बाहर प्लस लेंगे हम, क्योंकि थीटा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हुआ। ये 1/8 था, ये हो गया भैया 8 और 1 9, यानी 3 और 16 4। यस, cot थीटा बाई 2 आ गया। अब sin थीटा बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बाई 2, यस डिवाइडेड बाय 2। भैया ये हो गया 1 अपॉन √8 बोले तो 2 पावर 3 बाई। यस, अब ये वैल्यू यहां डाल देते हैं तो ये हो जाएगा log बेस 2 2 पावर माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, तो माइनस 3 बाई 2 रिजल्ट आया माइनस 3 बाई 2। ये भी रैशनल ही है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। ऐसे अब फोर्थ को पकड़ लेते हैं, देखो तो इसमें भी क्या करेंगे हम, कॉस इनवर्स वाले पार्ट थीटा मान लेंगे, कॉस इनवर्स √5/3 को पॉजिटिव वैल्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों √5/3। तो ये जो अपने को कैलकुलेट करना, ये पूरा टर्म ये क्या हो गया, ये हो गया tan थीटा बाई tan थीटा बाई 2 cos थीटा की फॉर्म कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, देखिए तो ये बन जाएगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। और ये क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि ये ऐसा टर्म है इरेशनल। एक बार सर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हाँ तो भी क्या होगा, देखो अपन कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हटेगा लेकिन ये फिर भी बचेगा। यस यस, है ना, तो एक अंडर रूट तो हमेशा बचा ही रहेगा, तो दैट मस्ट बी इरेशनल, क्यू डैश इरेशनल से होगा, तो ये गलत हो गया। हाँ, तो केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन से ये आंसर अपने सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन, आपको वन बाई वन ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन से फंक्शन क्या होंगे आइडेंटिकल। तो टू फंक्शंस आइडेंटिकल कब होंगे, जब उनकी डोमेन सेम हो और उनकी रेंज और फंक्शन सेम हो, ठीक है। तो पहले चलो डोमेन की बात करते हैं, जैसे ये एल एन ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स की डोमेन आर लेते हैं अपन, ठीक है, और ई की पावर एक्स का जो आउटपुट है वो क्या होगा, ओपन जीरो से इन्फिनिटी, जो एल एन में डोमेन की तरह बिहेव करेगा, मतलब एल एन ई की पावर एक्स का जो इनपुट है वो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब x की वैल्यू कुछ ही पुट करो, e की पावर x इज ऑलवेज 0 से ग्रेटर, तो ln उस केस में डिफाइन होगा, तो इसकी डोमेन होगी बेटा d1 इज लेट r। फिर tan into tan inverse x, तो tan into tan inverse x है, तो देखो सिंपल सी बात है, x इसमें क्या होगा रियल नंबर, और tan inverse x को जब रियल नंबर लोगे तो tan inverse x का आउटपुट क्या लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, तो ये बाहर वाले tan में भी ये आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो इन दोनों की डोमेन सेम होगी, d1 d2 x belongs to r। उसके बाद देखो tan से tan inverse कैंसिल कर सकते हैं, तो ये भी आपका x है, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये भी आपका x है, मतलब डोमेन सेम है और फंक्शन सेम है, तो 100% की रेंज भी क्या होगी, सेम होगी, तो ये फंक्शन हो गया फर्स्ट आपका आइडेंटिकल। अब आप देखो सेकंड ऑप्शन में क्या करना है, पहले इसकी बात करते हैं डोमेन की, तो 1 minus x square आपका greater than equal to 0 करोगे, ये आ गया बेटा x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, देन मोड x लेस देन 1, ठीक है, 1 को शिफ्ट करके, तो मोड x लेस देन a का सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू -a2a, इसके अकॉर्डिंग आ गया -1 से 1, बट x आपका डिनोमिनेटर में है तो x नॉन जीरो, तो इसकी डोमेन होगी -1 से 1 और 0 माइनस करना, ठीक है, कि d1 डोमेन है फर्स्ट की। अब इसको देखो tan cos inverse x, cos inverse x की डोमेन क्या लिखते हैं -1 से 1, बट इसके बाहर tan है, तो tan की कंडीशन क्या होगी कि दिस पार्ट नॉट बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो सिंपल सी बात ये है कि cos इनवर्स की जो वैल्यू है पाई बाय 2 कब होगी, जब आप x को 0 लोगे, क्योंकि cos इनवर्स 0 इज पाई बाय 2, तो tan पाई बाय 2 आपको नॉट डिफाइन है, तो इसमें भी आपको 0 को बेटा रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो
इसकी डोमेन भी क्या माइनस वन टू वन से माइनस जीरो। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन तो एज इट रखो, अब इसको अपन ट्राई करते हैं जिस पार्ट में कन्वर्ट करने की। तो लेट क्या करो, कॉस इनवर्स एक्स को अपन थीटा लेट करते हैं, तो अपना क्वेश्चन बन गया बच्चों टेन थीटा। ये एक्स है, कॉस थीटा आपका एक्स है, तो ये एक्स होगा, ये वन माइनस, इसको सॉरी वन लेना है, और ये आ गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन को लिखना है टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, दिस अपॉन दिस। और जब अपन को पता है कि x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, tan थीटा की वैल्यू लिखोगे आप अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। तो जब x पॉजिटिव होगा तो थीटा ऑटोमेटिक नेगेटिव पॉजिटिव, और x नेगेटिव होगा तो थीटा ऑटोमेटिक नेगेटिव। मतलब अपन cos थीटा x गिवन है, तो tan थीटा को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, दिस पार्ट। और थीटा को जब इधर शिफ्ट करोगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको, दिस पार्ट। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, तो डोमेन और फंक्शन दोनों सेम है, तो 100% रेंज भी क्या होगी इसकी सेम, तो ये भी फंक्शन आपका क्या होगा बोलो, आइडेंटिकल होंगे दोनों। फिर अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके करेक्ट है, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, उसके बाद देखो थर्ड में क्या करना है, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर की डोमेन आर, इधर भी कॉस स्क्वायर की डोमेन आर, इसमें कोट है, ये भी कोट है, तो कोट की कंडीशन एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन पाई, तो दोनों में जो डोमेन है वो सेम होगी, आर माइनस एन पाई। ठीक है, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब अपन ट्राई करते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने के। चलो अपन इससे बात करते हैं, कोट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो दोनों में बेटा कोस स्क्वायर एक्स आ गया कॉमन, तो ये आ गया वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन। इससे जब एलसीएम लोगे तो देन कोस स्क्वायर एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज अगेन कोट स्क्वायर एक्स। मतलब जो सेकेंड फंक्शन है वो आपका फर्स्ट में क्या हो गया कन्वर्ट, तो डोमेन भी सेम है और फंक्शन भी सेम है, तो रेंज भी 100% सेम होगी। तो ये 1, 2, 3 सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल फंक्शन है, तो अपन ऑल फोर ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, fx is equal to sin inverse x plus cos inverse x equal to tan inverse x, देखिए भाई जाहिर सी बात है ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पाई बाई टू, तो fx बराबर हो गया पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स। इसको देख के ऐसा लग सकता है कि भाई पहला ऑप्शन सही है, बस यही एक कॉमन मिस्टेक है जो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कर लेते हैं। क्या है बच्चों की, देखो ये मिलके पाई बाई टू तो होगा, लेकिन ये तब होगा ना जब ये डिफाइन होगा, और ये डिफाइन कब होगा, जब एक्स का वैल्यू क्या हो, माइनस वन से वन। इसका डोमेन तो आर है, तो इसको तो फर्क पड़ता नहीं कुछ भी लो, तो ये इसके बराबर तभी होगा भाई जब एक्स का वैल्यू हो -1, 2। तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, इसलिए ये गलत है, ठीक है ना, सभी x के लिए नहीं बनेगा। अब मुझे इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, यहाँ पे एकमात्र फंक्शन जो बचा है वो tan इनवर्स x है जो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू देगा -1 की और मैक्सिमम देगा +1। तो ये f ऑफ -1 निकाल लो, f ऑफ +1 निकाल डालिए जी, -1 यू गॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर यानी कि पाई बाई टू, और +1 डालोगे पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर बन जाएगा, यानी कि 3/4, तो 3/4 और 5/4 के बीच में होगा ये, तो मिनिमम तो 5/4, मैक्सिमम 3/4, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इसके सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, एक इनइक्विटी गिवन है आपको सिंपल सी, cos इनवर्स n अपॉन पाई ग्रेटर देन पाई बाय 6, n आपका नेचुरल नंबर, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो देखो सिंपल क्या करना है, जब भी इनवर्स फंक्शन हो तो अपन डायरेक्ट इजीली इसको राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, बट कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन को चेंज करना, तो क्या आ गया एन अपॉन पाई लेस देन कॉस पाई बाय 6, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, पाई भी पॉजिटिव है इसको राइट में शिफ्ट कर दो, तो एन लेस देन √3/2 इंटू पाई। अब आप ये देखो कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है, उससे जो जस्ट लेस इंटीजर है वही आपका आंसर होगा मैक्सिमम आंसर। तो देखो सिंपल है, 3.14 √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते अपन 1.7, और ये आ गया अपॉन में 2। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया इनटू 1.7। अब इसको सोल्व करके देखो कि ये वैल्यू आपकी क्या होगी, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये वैल्यू आती है 2 समथिंग की अप्रोक्सीमेट। तो जब n आपका 2 समथिंग से लेस है तो ये n की चीज आपको मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर
तो n की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या ले सकते अपन 2, तो इसमें आपको 2 आंसर्स का फिल करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, देखो ये जो इक्वेशन है 10 इनवर्स x और 14 इनवर्स x दोनों इन्वॉल्व है इसमें, और हम जानते हैं कि दोनों का आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट बदला जा सकता है, तो लेट मी टेक 10 इनवर्स x इक्वल टू t, इसको t मान लेते हैं, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 5 / 2 - t। cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, 5 / 2 - tan इनवर्स x, बस इसको सॉल्व करना है। अब ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस सॉल्व करते हैं, देखिए t² आएगा मिलके हो गया 2t² इसमें आएगा माइनस के 5t और प्लस के 5² / 4, इसको इधर ले आओ माइनस 8 एलसीएम लोगे, ठीक है 8 एलसीएम ले लेंगे, माइनस के 3π² / 8 बचेगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16t² - 8πt माइनस के 3π² = 0, फैक्टर कर लेते हैं इसके 48 और 12 और 4 भी 48 होता है, तो 4t और 4t एक जगह 3π एक जगह 5 डाल देते हैं, माइनस में चाहिए तो इधर माइनस इधर प्लस बराबर में 0, यानी बच्चों टी का वैल्यू निकल के आएगा -π/4 और 3π/4, टी कौन टेन इनवर्स टी है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 प्लस π/2, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी, खत्म हो गई, ये तो रेंज से बाहर, एकमात्र संभावना है -π/4, तो टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/4 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू होगा माइनस, सो -1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा हेलो की संख्या पूछ रहे हैं क्या, 1 आंसर हो जाएगा, आंसर 1 फिर, ठीक है 20 क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर x y सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट। तो देखो क्या करना है इसमें, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई इक्वेशन गिवन हो, तो आप साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स में, तो उसको सिंगल ITF में कन्वर्ट करो, और सबसे सिंपल फॉर्मूला होगा आपका टेन इनवर्स x में, तो अपन क्या करते हैं इन दोनों को टेन इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे, और देखो इसमें x और y बोथ आर पॉजिटिव है, तो सिंपल अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इसको अगर थीटा लेट करोगे तो साइन, तो ये x है, ये रूट 1 प्लस x स्क्वायर होगा, ठीक है, ये साइन इनवर्स को थीटा लेट किया तो साइन थीटा आ गया दिस अपॉन दिस, तो ये 1 होगा, तो साइन थीटा है तो इसको टेन थीटा में क्या लिखोगे, टेन थीटा आ गया x अपॉन 1, तो ये आ जाएगा बेटा थीटा इज टेन इनवर्स x प्लस, इसकी बात करोगे तो अगेन कॉस इनवर्स दिस पार्ट को लेट करो थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 आ गया y अपॉन दिस पार्ट, दिस इज y, ये रूट 1 प्लस y स्क्वायर और ये आपका होगा 1, तो ये आपने क्या लिखा थीटा 2, तो tan थीटा 2 क्या होगा 1 अपॉन y, तो थीटा 2 आ गया tan इनवर्स 1 अपॉन y, क्वेश्चन में मेंशन है x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो सिंपल फॉर्मूले आपको लिखने हैं इसके, ठीक है, इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 3। अब क्या करना है, सिंपल इसमें x tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन y माइनस xy, तो x अपॉन y इक्वल टू tan इनवर्स 3, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, और आप y एलसीएम भी ले सकते हो, तो दिस होगा xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x इक्वल टू 3। अब देखो आपको x और y की पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, इक्वेशन 1 है वेरिएबल 2 है, तो इसमें अपन थोड़ा x और y को पहले करते हैं सेपरेट, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये होगा xy प्लस 1 इक्वल टू 3y माइनस 3, तो देखो एक काम करते हैं अपन x की वैल्यू के लिए इसको दर्शित करो, तो x कॉमन लोगे तो दिस इज y प्लस 3 इक्वल टू होगा बेटा 3y माइनस 1, तो इससे x की वैल्यू आपको मिली 3y माइनस 1 अपॉन y प्लस 3। अब x और y दोनों इंटीजर है, तो अपन इसको एक काम करते हैं, इस टाइप से लिखो कि y आपका ओनली न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो अपन इजीली x और y को पुट करके देख सकते हैं, तो देखो ये y है, तो काम करो ये y प्लस 3 है, तो इसको 3y प्लस 9 माइनस 10 लिखो, तो 3 कॉमन आके इसको 1 बना देगा, ठीक है, और ओनली डिनोमिनेटर में आपका y प्रेजेंट हुआ, तो इसमें 9 ऐड कर दो, 9 सबट्रैक्ट, तो 3y प्लस 9 माइनस 10 अपॉन y प्लस 3, इससे सेपरेट डिवाइड करो और 10 से करो सेपरेट डिवाइड, तो दिस इज
x इक्वल टू दिस अपॉन दिस टू क्या होगा 3 माइनस टेन अपॉन वाई प्लस 3। अब आप ये देखो x और y आपके पॉजिटिव हैं, तो सिंपल सी बात है x इंटीजर है 3 इंटीजर है तो ये भी आपका क्या आना चाहिए इंटीजर, तो ये इंटीजर कब होगा जब y प्लस 3 आपका 10 से डिवाइड होगा, मतलब y प्लस 3 की जो वैल्यू है वो क्या ले सकते हैं, देखो y पॉजिटिव है तो y प्लस 3 भी आपका पॉजिटिव होगा, तो इसको 10 से डिवाइड करना आपको 10 अपॉन दिस, तो या तो इसको ले सकते हो या 2 ले सकते हैं या 5 ले सकते हो या बेटा 10 ले सकते हो, ठीक है। बट y प्लस 3 आपका पॉजिटिव का मतलब ये 3 से ग्रेटर होगा, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो गलत हो सकती है ना, तो सिंपल सी बात है जब 3 को शिफ्ट करोगे तो से y क्या होगा, देखो माइनस 2 माइनस 1 2 एंड 7, बट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव तो y की ओनली 2 वैल्यू हो सकती है 2 एंड 7, ठीक है। अब देखो इधर जब आपने y को 2 लिया, y 2 कब होगा जब ये 5 होगा, तो 10 अपॉन 5 इज 2 तो 3 माइनस 2 इज 1 मतलब x आपका 1 पॉजिटिव है, और जब 7 लोगे तो 10 10 अपॉन 10 1 तो 3 माइनस 1 इज 1 तो x आपका अगेन पॉजिटिव है, तो इसके ओनली 2 पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन का पेयर होगा, तो इसमें आपको 2 आंसर्स का फिल करना है। तो चलिए ये था डिस्कशन ITF का, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट डिस्कशन में। गुड बाय।